कैसा हो? आई होप सिक्स से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली ठीक ठीक हो गया। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको वेट है इंडियन कोस्ट गार्ड की मेरिट का, बट मैंने नेवी को इंक्लूड कर लिया क्योंकि थोड़ा सा ऑडियंस आ जाएगा इसमें। दोनों की बात कर लेंगे बिकॉज दोनों रिलेट करते हैं दूसरे से। बेसिकली अभी कैंडिडेट का डाउट आ रहा है, भैया इंडियन कोस्ट गार्ड का मेरिट जो था वो आना था और इतना डिले हो गया है, क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, मैंने भी वीडियो नहीं बनाया कोई, लेकिन मैं मुझसे कोई पर्सनल पूछता था ना तो भाई मैं उससे बता देता कि अगस्त तक आ जाएगा, अगस्त तक आ जाएगा, बट वो अगस्त तक नहीं आना था। रीज़न मुझे भी पता था, चलो मैं बता देता हूँ आपको। आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 5 सितंबर को कर रहा हूँ, तो मेरे जितने सीनियर भाई हैं, छोटे भाई हैं, सबको मेरी तरफ से राम राम, और बड़े लोगों को 40%, मतलब 40% इन द सेंस टीचर लोगों को, सबको ऐसे रेस्पेक्ट किया। चलो तो अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट था कि सर इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड मेरिट का डेट बता दीजिए, तो मेरिट कब तक आ सकते हैं? और देखो मैं नेवी के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यार, जहाँ पे मैं थोड़ा सा कट ऑफ का भी आइडिया दूंगा, फर्स्ट बैच में कितने कैंडिडेट जा सकते हैं, सेकंड बैच में कितने कैंडिडेट जा सकते हैं, कितने नेवी में मतलब कि वैकेंसी कितनी होगी, कितना कट ऑफ इस स्टेट का जा सकता है, स्टेज टू थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी किन किन चीज़ों की हो सकती है, नेवी पर हम सेपरेट बात करेंगे। बट फर्स्ट हम इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। कोस्ट गार्ड का जो इनिशियल कट ऑफ गया था उससे डेफिनेटली कट ऑफ फाइनल बढ़ेगा, क्योंकि कोस्ट गार्ड पे लास्ट के दो इंटेक से मैं देख रहा हूँ कि वो लोग इनिशियल कट ऑफ थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। ठीक है, MN 70 नंबर तक ले जा रहा है, बट लास्ट वाले इंटेक पे हमने देखा कि फिर से वो फाइनल कट ऑफ 82 to 85 तक ले ही जा रहे हैं, मतलब 82 से 85 नंबर लाना। ऐसे किसी से बोलोगे कि यार 110 में से 82 से 85 नंबर लाना, वो थोड़ा सा बहुत थोड़ा तो थोड़ा से ज़्यादा ही डिफिकल्ट है रियली, क्योंकि वैकेंसी कम होती है यार, वैकेंसी 250-300 पोस्टें होती हैं। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो पेपर जो होता है वो थोड़ा सा ईजी ही होता है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, और पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो क्या मार देते हैं, तो आपका लक अगर सही हुआ उस दिन या चीज़ें सही से सेट हो गई तो फिर आपका वो जो चांस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। एनीवे मैं आपको सीधा मेरिट वाले पॉइंट पे आता हूँ। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाइएगा। और मेडिकल असिस्टेंट का भी न्यू हाल ही में रिक्रूटमेंट आया है, उसके लिए आपने से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो मेरे पास इंडियन नेवी का रिकॉर्डेड बैच है, तो उसमें जो इनरोल करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। फीस 300 रुपीज़ है, वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा, साथ ही साथ मतलब कंप्लीट गाइड करूँगा, मेडिकल फिजिकल पेपर के लिए आपको क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको GK GS का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और आपको वहाँ पर रीजनिंग की भी क्लास मिल जाएगी, थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी रीजनिंग की क्लास, लेकिन दो इंग्लिश GK GS एक रिलेवेंट पैटर्न पे, यानी कि बहुत सारी क्लासेस रिलेवेंट जो चीज़ें पेपर में आती हैं वो चीज़ें आपको मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए, नेवी SSR के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो इसके अगर इसमें जो भी इनरोल करना चाहते, अच्छा साइंस के लिए क्या होगा भैया, तो साइंस के लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, वो चीज़ मॉक टेस्ट भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बैच का प्राइस 300 रुपीज़ है। कोई डाउट या क्वेरी आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में, या फिर यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम शो कर दूंगा, टेलीग्राम का @AnshuSingh, आप उस पर @AnshuSingh2 पे मैसेज करेंगे, मैं ही वहाँ पे मिलूंगा, ठीक है, @AnshuSingh2 पे मैसेज करना, मैं ही वहाँ पे मिलने वाला हूँ। एनीवे टॉपिक पे बैक आते हैं, मेरिट कब नहीं आ रही, इतना डिले क्यों हो रहा है, तो सिंपल से देखो, कोस्ट गार्ड ने तो बोल भी रखा था कि अक्टूबर पे या सितंबर एंड पे हम मेरिट रिलीज कर देंगे, तो देखो सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, ये इनके डिले करने का मेन एक ही रीजन है, वो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का सेम प्रोसेस और सब कुछ साथ में ही चलता है चिल्का में, होता बस ये है कि इवन ट्रेनिंग भी, मान लो जो बेसिक होता है ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनिंग जब आपका POP होता है जिस दिन, उस दिन चिल्का में आपका जो कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट हैं वो भी सर POP करता है, बट उसके बाद जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं उसमें वो डिवाइड हो जाते हैं, उनका परमानेंट होता है, बट नेवी के भी कैंडिडेट ऐसा होता है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे भेज दिए जाते हैं। ठीक है, पहले आपका शिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जब शिप ट्रेनिंग करके आते हैं देन अलग अलग सेंटर पे और भी जिस जो आपका ब्रांच मिलता है उस ब्रांच में, फिर उसके बाद आपको संतरी ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है, तो ये 4-4 महीने के गैप के बाद आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, ये होता है इंडियन नेवी पे, ऐसे इंडियन कोस्ट गार्ड पे भी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, कोस्ट गार्ड वाले कैंडिडेट परमानेंट हो जाते हैं, और नेवी पे भी आज ही मैंने कुछ सुना है, नेवी एयरफोर्स आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड करके सुना है, एक न्यूज़ पे था, इंडियन न्यूज़ पे आर्टिकल पढ़ा है कि गवर्नमेंट उस पर प्लान करेगी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है उनको एक्सटेंड किया जाएगा परमानेंट की ओर। चलो, तो ये चीज़ आई होप आपको ठीक लगी होगी। अब बैक आते हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि जब पोस्ट आप पिछले 5-6-7 जितने बार का डेटा उठा के देखना है उठा के देख लीजिए, कोस्ट गार्ड और नेवी का ट्रेनिंग जब साथ में होता है तो बस अंतर पता है क्या होता है, कोस्ट गार्ड के जो कैंडिडेट होते हैं उनको मेडिकल एग्जाम के लिए पहले बुला लिया जाता है, मतलब कि वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन पहले बुला लिया जाता है, और जो आपको नेवी के कैंडिडेट होते हैं वो 10 से 15 दिन बाद ज्वाइनिंग पे जाते हैं।
नेवी की ज्वाइनिंग डेट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 6 से 9 नवंबर के बीच आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। शायद मुझे 6 नवंबर, हाँ 6 नवंबर ही एग्जैक्ट डेट है, 6 नवंबर को आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे आप मान सकते हैं आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर एंड या फिर आप 20 अक्टूबर तक मान सकते हैं आपका मेरिट लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जब इससे पहले ही, फिर इससे पहले आप देखो, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली पोस्ट गार्ड का मेरिट इससे पहले आ जाएगा। मैं कहता हूँ अगर 6 तारीख से आपका ज्वाइनिंग होगा इंडियन नेवी का अगर, तो आपका जो कोस्ट गार्ड का ज्वाइनिंग होगा वो 20 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट है वो एंड ऑफ सितंबर, मैक्स टू मैक्स एंड ऑफ सितंबर तक कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, और जो इन्हें नेवी का मेरिट लिस्ट है वो मिड अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट जो परमानेंट रिक्रूटमेंट जिसके बारे में अभी बताया, उसका भी मेरिट इसी मैच के साथ में आने वाला है। जो नेवी का मेरिट आएगा उसी के साथ में उसका भी मेरिट आ जाएगा, बस वो परमानेंट होगा। ये उन सभी कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की मेरिट का वेट कर रहे हैं सर, इसी मंथ के मैक्स टू मैक्स आप 20-25 तारीख तक का वेट करिए, आपको मेरिट लिस्ट आपका देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका ज्वाइनिंग जो होगा आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 15 से 20 दिनों में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह आपको जल्दी से कराना पड़ेगा, और उसके बाद आपका इंडियन नेवी का मेरिट लिस्ट तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। ये पता है टाइम क्यों लेता है, क्यों गैप होता है, 15 दिन का गैप क्यों होता है साथ में जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है? रीजन, कोस्ट गार्ड पे मेडिकल एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाता है अच्छे से, और इंडियन नेवी पे मेडिकल एग्जाम नहीं होता है। वैसे नेवी ने मेंशन कर रखा है होता है, लेकिन अब वो पर्सनली वहाँ पे मेडिकल एग्जाम नहीं कंडक्ट कराते हैं। नॉर्मल थोड़ी बहुत चीजें अगर देख लेते हैं तो देख लेते हैं, नहीं तो मेडिकल एग्जाम फिलहाल जब से अग्निवीर हुआ लास्ट के 3 इंटेक से मैं देख रहा हूँ कोई भी मेडिकल एग्जाम सेंटर पे नहीं हो रहा है। कोस्ट गार्ड पे मेडिकल एग्जाम होता है, अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको विशाखापट्टनम वो लोग भेज देते हैं आंध्रा। इफ यू कम फ्रॉम कानपुर देन आप जाएंगे चिल्का, और चिल्का में आपका ट्रेनिंग से पहले मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और आप वहाँ पे अनफिट होते हैं देन आपको आंध्रा वो लोग भेज देते हैं री मेडिकल एग्जाम के लिए। तो आप कानपुर वापस आइए, आंध्रा जाइए, अनफिट होते हैं तो फिर बैक टू होम, अगर फिट हो जाते हैं देन बैक टू चिल्का। ओके, तो ये चीजें कंप्लीट होने वाली हैं। एनीवे, आपका अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे आंसर कर लीजिएगा। मुझे जो चीजें शेयर करनी थी कि कब तक मेरिट इस महीने के एंड तक, और उसके 15 से 20 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा इन नेवी का मेरिट। नेवी के मेरिट के ऊपर थोड़ा सा मैं सेपरेट में अलग से बात करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे थोड़ा सा कट ऑफ का भी आइडिया देना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी थोड़ा सा उसके लिए ज्यादा वेट कर रहे हैं, तो इस वजह से। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, मैं जरूर आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। टिल देयर यार एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखो, अपना स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, जिस भी एग्जाम प्रिपरेशन करो मन लगा के करो यार। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।